क्या मनजोगी ड्रामा काबिली प्लाट ड्रामे से कॉपी किया जा रहा है? लगभग स्टोरी को अगर आप देखें तो ऐसा कुछ नजर तो आता है, और ऐसा इसलिए आपको नजर आ रहा है क्योंकि दोनों ड्रामे के राइटर सेम हैं, जो कि हैं सलीम जफर मिराज, और दोनों ड्रामे के डायरेक्टर भी सेम हैं और वो है काशिफ निसार। अब आते हैं स्टोरी के ऊपर भैया। स्टोरी के अंदर काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं ये तो हमें नजर आ रहा है, क्योंकि काबिली प्लाट ड्रामा के अंदर ये हुआ था कि एक लड़की पसंद की शादी करती है और ड्यू टू वॉर रीजन, एक जंगी हालात की वजह से वो अपने शौहर से दूर हो जाती है, और काफी अरसे तक के उसको अपने शौहर के आने का नहीं पता चल पाता, और फिर कुछ ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं जिसकी वजह से वो गांव में आई हुई एक जमात में से एक बुढ़े इंसान के साथ उसकी शादी करवा दी जाती है। अच्छा, इसके टोटली अगेंस्ट मन जोगी ड्रामे के अंदर ये होता है कि शौहर जो है, होती तो पसंद की शादी है, लेकिन शौहर जो है वो काफी ज्यादा गुस्से का तेज होता है, वो गुस्से में आके अपनी बीवी को तलाक दे देता है, और फिर अपनी बीवी से दोबारा शादी करने के लिए एक प्री प्लान्ड हलाला जो है वो करने की कोशिश करता है, जो कि सरासर इस्लाम के अंदर हराम है। एक प्री प्लान्ड बिल्कुल हराम है, मतलब आप ऐसे हलाला नहीं करवा सकते कि भैया तुमने तलाक देनी ही देनी है। खैर, वहां पर क्या होता है कि वो अपने घर पर लेकर आ जाता है और किसी को बताता नहीं है कि ये मेरी बीवी है, लेकिन मन जोगी ड्रामे के अंदर अभी हमें आगे दिखाया जाएगा क्या होने वाला है। स्टोरी काफी ज्यादा सिमिलरिटीज है, और जहां तक कि सिनेमेटोग्राफी और जो कास्ट है और जो कॉस्ट्यूम्स वगैरह दिए गए हैं उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि भाई साहब कहीं ना कहीं तो कॉपी की गई है, क्योंकि एक जो मौलवी वाला करेक्टर वो तो एहतशामुद्दीन जो काबिली प्लाट ड्रामे के अंदर थे उससे भी काफी ज्यादा मैच कर रहा है बिलाल अब्बास खान का, बस वो एज फैक्टर वाले को एज फैक्टर जो था उसको हटा दिया गया है, बिलाल अब्बास खान एक नौजवान है, वरना वो मौलवी वाला करेक्टर तो आपको वैसा ही लग रहा है। और फिर जो सबसे मेन चीज है ना वो है सबीना फारूकी, वहां पे आपको लीड करेक्टर के अंदर सबीना फारूकी नजर आई थी, ठीक इसी टाइप के कॉस्ट्यूम्स, इसी टाइप का जो फेस लुक जो आपको उनको नजर आएगा, जो कि उनका लुक मनजोगी ड्रामे के अंदर भी है, दोनों के आपको बिल्कुल सिमिलरिटीज लगेंगी, जो कि मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा के दिखाऊंगा भी। बाकी अगर आप सबीना फारूकी को और ड्रामों के अंदर देखेंगे जैसे हमने तेरे बिन ड्रामे के अंदर देखा था, टोटली अलग थी, लेकिन इस ड्रामे का लुक काबिली प्लाट ड्रामे से काफी ज्यादा मैच कर रहा है। और जितने भी कैरेक्टर्स हैं, स्टोरी भी कुछ ऐसी है जैसे कंट्रोवर्शियल टाइप की, जैसे काबिली प्लाट ड्रामा की थी कुछ सीरियस टाइप, और जिसको सिर्फ बड़े ही लोग कुछ मैच्योर ऑडियंस देखना पसंद करेगी, ठीक इसी तरीके से मनजोगी ड्रामे को भी जो भी मैच्योर ऑडियंस है वही देखना पसंद करेगी, ना कि वो सास बहू के चक्कर वाले ड्रामों से। तो नो डाउट सिमिलरिटीज तो हैं, लेकिन जो एंगल डाला गया ना हलाले वाला वो काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देता है मनजोगी की, और मनजोगी को ज़्यादा स्पेशल बना देता है। खैर, देखना आगे ये होगा कि आखिर ये ड्रामा काबिली प्लाट जितना ड्रामा अटेंशन ले पाता है या नहीं ले पाता, और मुझे तो लगता है कि ले पाएगा। खैर, आप बताओ यार, आपको मनजोगी ड्रामा कैसा लग रहा है और आपको क्या लगता है कि कॉपी किया गया है या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।